हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमारा आज का क्वेश्चन है कि आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है डिफाइंड इंटरफेसिंग। सो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो अब हम बात करेंगे डिफाइंड ऑफ इंटरफेसिंग की। तो इंटरफेसिंग बेसिकली है क्या? तो इंटरफेसिंग क्या होता है कि आप कुछ सेपरेट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को क्या करते हैं, एक साथ इंटरकनेक्ट कराते हैं, तो उसको हम इंटरफेसिंग कहते हैं। और इन द टेक्निकल टर्म्स अब मैं लिख के बताता हूँ क्या होता है। सो इंटरफेसिंग, वी राइट डाउन, इंटरफेसिंग फेसिंग इज द मेथड यूज टू इंटरकनेक्ट टू सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन सच अ वे that their output and input voltage and current are compatible। ओके, सो ये हमारे टेक्निकल डेफिनेशन थी जिसके बेस पर हमें पता चला कि इंटरफेसिंग है क्या। तो इंटरफेसिंग इज द मेथड यूज टू इंटरकनेक्ट द टू सेपरेट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन सच वे दैट देयर आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज एंड करंट आर कंपेटिबल। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास एक माइक्रोप्रोसेसर है, ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर है या माइक्रो कंट्रोलर है, और आपको इसके साथ कनेक्ट करना है क्या, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, माइक्रोप्रोसेसर म्यूसी, यानी ये क्या है आपके पास, कीबोर्ड। ओके, सो इसके साथ इंटरकनेक्शन किया जाएगा विद वायर। ओके, सो वायर ये आप बसेस कह सकते हैं, आप एड्रेस बस या डाटा बसेस। बेसिकली एड्रेस बस और डाटा बस क्या होती है, हमारी वायर्स होती हैं। तो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन को हम इंटरफेसिंग कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाई वी नीड ऑफ इंटरफेसिंग, हमें नीड क्यों पड़ी, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नीड फॉर इंटरफेसिंग, नीड फॉर इंटरफेसिंग। तो हमने समझ गए थे कि इंटरफेसिंग है क्या। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द नीड फॉर इंटरफेसिंग, हमें नीड किस लिए क्या पड़ी इंटरफेसिंग की। सो इसका आंसर है टू कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल वर्ल्ड। माइक्रोप्रोसेसर नीड इंटरफेसिंग विद पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइसेस बिकॉज माइक्रोप्रोसेसर के पास ना ही रैम और ये एक्सेसिबल चीजें नहीं होती हैं, जो कि हमने पढ़ा था कि माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के डिफरेंशिएट में। सो यहाँ पे लिखते हैं म्यूसी म्यूपी नीड्स इंटरफेसिंग ओके विथ पैराफेरल डिवाइसेस
विद पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, डिस्प्ले डिवाइसेस, डिवाइसेस एंड डिस्प्ले डिवाइसेस। ओके, सो हमारे पास क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमें कनेक्ट कराना था डिवाइसेस को किसके साथ? माइक्रो प्रोसेसर के साथ। तो इसलिए हमें नीड पड़ी इंटरफेसिंग की। सो आज का वीडियो इतना ही। मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।